नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बात आज डिंपल यादव वर्सेस बीजेपी की करेंगे, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव बेहद चर्चा में हैं, जहां सपा ने बहुत पहले ही डिंपल यादव को चुनावी रण में उतारने की घोषणा कर दी थी, वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दिया है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में रघुराज सिंह शाक्य ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि उन्हें अभी भी शिवपाल यादव का करीबी ही माना जाता है। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली होने वाली मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में रघुराज सिंह शाक्य का मैनपुरी में सीधा मुकाबला डिंपल यादव से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 और राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ की 1-1 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इनमें से राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अशोक कुमार पिंचा को टिकट दिया है, जबकि बिहार की कुरहानी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवारी सौंपी है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां भानुप्रतापपुर सीट पर ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी उम्मीदवार हैं, लेकिन रामपुर और खतौली सीट पर भी अब पत्ते खोल दिए हैं बीजेपी ने। तो रामपुर के रण और खतौली के खेल में बीजेपी का खिलाड़ी आखिर कौन होगा, किस पर बीजेपी भरोसा जताएगी और कौन सा उम्मीदवार बीजेपी के भरोसे को जीत पाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इतने लंबे समय से बन रही संशय की स्थिति पर अब आखिरकार बीजेपी ने लगाम लगा ही दी। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जहां एक तरफ सपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं अब लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को बेपर्दा कर दिया है। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दिया है। मैनपुरी के अलावा खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। खतौली से बीजेपी ने राजकुमार सैनी को मौका दिया है। वहीं रामपुर में आकाश सक्सेना बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित एक मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद से ये सीट खाली थी। अब बीजेपी की ओर से राजकुमारी सैनी इस सीट पर चुनाव लड़ने वाली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट पर मुख्य मुकाबला आरएलडी और बीजेपी के बीच है। एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ऐसे में उनकी रामपुर विधानसभा सीट भी खाली हो गई और अब इस पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने सीट पर आकाश सक्सेना को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी ने हमेशा विपक्ष के गढ़ पर हमला करके रण में फतह हासिल की है, इस बार भी बीजेपी वही इतिहास दोहराएगी। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन उपचुनावों में क्या वाकई बीजेपी इतिहास दोहराती है, इतिहास बनाती है, या इस बार बीजेपी खुद इतिहास बन जाती है। क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी।